हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, N95 पर गवर्नमेंट ने कहा है कि नॉट फॉर शेप फॉर बल्ब। ओके, तो यानी कि जो आपका मास्क है अभी जो पॉपुलर है बहुत ज़्यादा इस महामारी में, जैसे कि हमने देखा है मैक्सिमम लोग जो है सजेस्ट करते हैं कि N95 मास्क पहनिए, लेकिन गवर्नमेंट की रिसर्च ने अभी बोला है कि जो N95 में बल्ब लगा हुआ है और जो जिसमें बल्ब लगे हुए आते हैं, जिसमें मास्क में बल्ब लगे हुए आते हैं, उस मास्क को पहनना हानिकारक हो सकता है। तो पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये मास्क है वो हम क्यों पहन रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि हम वायरस से बचना चाहते हैं। तो वायरस से एक्चुअल में देखिए, आपको जो मास्क है सिर्फ वन टाइप की जो है सिक्योरिटी देता है। पहली चीज़ कि भाई अगर किसी को वायरस है तो वो छींकेगा खांसेगा तो आप उसके ड्रॉपलेट्स जो हों आपकी नाक में आपके मुंह में एंटर ना करें, ठीक है, इसलिए हम पहनते हैं। सेकंड चीज़ ये होती है कि अगर हमें कोई दिक्कत है, अगर हम छींके या खांसे तो किसी जो है स्प्रेड ना हो, ठीक है। अगर क्या हो, अगर ये जो मास्क आपने पहना है वो इस महामारी को रोक ही नहीं पाए तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस है और देखिए अभी इस पर रिसर्च हुई है, तो इस मास्क को काफ़ी ज़्यादा पहना जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है ये प्रचलन में आ चुका है। तो कई लोग जो हैं कह रहे हैं कि इससे जो है, देखिए बहुत सारी मैं देखूँगा, बहुत सारा आपने जो रिसर्च करा होगा, बहुत सारा आपने ढूंढा होगा, तो N95 जो है आपको मिला होगा कि भाई ये सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपसे बोलती है दिस इज़ नॉट सेफ फॉर हेल्थ, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो इसी रिसर्च को जो है हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो। ओके, तो देखिए ये जो है गवर्नमेंट ने कहा है N95 बल्ब मास्क नहीं रोकता कोरोना वायरस। ओके, तो इसके इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो गवर्नमेंट ने कहा इसका मास्क जो है वायरस को नहीं रोक पाता है। ओके, केंद्र ने चेतावनी देते हुए कहा है कि रिसेप्टर के साथ आने वाले N95 मास्क को वायरस निकालने से नहीं रोकता है। ओके, इसलिए वायरस जो है कि रोकथाम के लिए यह सही नहीं है और लोगों को इस बात की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही होगी, तो आप तक पहुंच रही तो आप दूसरे व्यक्ति फिर ये पहुंचाइए और इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चेतावनी दी है कि वे लोग द्वारा मान्य रिसेप्टर के साथ N95 मास्क के इस्तेमाल को रोकें। इसके खिलाफ केंद्र ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ये वायरस को फैलने से नहीं रोक पाते और वायरस के नियंत्रण के लिए अपनाए गए उपायों के लिए हानिकारक है। ओके, यानी कि ये जो आप मास्क पहन रहे हो वो कतई आपकी जो आपने जिस वजह से आपने पहन रखा है उसको नहीं रोक पाता है। तो हम पहन किस लिए रहे हैं, हम इस चीज़ के लिए पहनने के वायरस हमें ना लगे। ओके, तो पहली थिंग तो आपको बताया कि भाई मास्क जो ड्रॉपलेट से लगता है। दूसरी चीज़ जो है कि अगर कोई संक्रमण व्यक्ति है उसने किसी सतह को छू लिया है या किसी सतह पे उसका जो पसीना होता है वो गिरा हुआ और उसको आप छू लेते हो तो आपको वो जो है आपके शरीर में पहुंच सकता है उसके साथ उसके मीडियम से, ठीक है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने राज्यों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव को लिखा जो लिखे पत्र में कहा है कि यह देखा गया है कि N95 मास्क का जनता और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अनुचित उपयोग होता है। DGHC ने स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर चेहरे और मुंह के लिए होममेड यानी घर पर बने जो है सुरक्षात्मक कवर के उपयोग की सलाह दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली इंपॉर्टेंट बात यह है आप कपड़े के मास्क को यूज़ कर सकते हैं, घर पर अपना मास्क बना सकते हैं। ओके, तो होममेड जो है मास्क आप दे सकते हैं, जो गवर्नमेंट की हेल्थ स्वास्थ्य मंत्रालय उस पर जो है वेबसाइट पर जो है ये सारा डला हुआ है कैसे आप जो है इसको बना सकते हैं मास्क को, और बहुत सारी डिटेल्स हैं जो वायरस से आपको बचा सकती हैं। पहली डिटेल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको 1.5 से 2 गज की जो है आपको डिस्टेंस बना के रखनी है। पहली चीज़, अगर आप मार्केट में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो जो थोड़ा क्राउड एरिया है वहाँ से दूर रहे हैं, और आप ऐसे व्यक्ति से ना मिले जिसको छींक आ रही हो, खांसी हो, जुकाम हो, तो
तो थोड़ा उससे दूर रहें। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें, सिंपल मेथड अगर आप अपनाएंगे तो आप जो है इस वायरस से बचे रहेंगे। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करिए, जितना ज़्यादा जो है आगे जाएगी वीडियो तो और भी शेयर होगी। तो देखिए क्या राजीव गर्ग जो हैं उन्होंने बताया, एक पत्र में लिखा है, N95 मास्क कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए गए उपायों के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह वायरस को मास्क से बाहर निकालने से नहीं रोकता है। इसके जो अगर देखा जाए सभी को फेस यानी आपका चेहरा जो है माउथ कवर का उपयोग करने और N95 की अनुचित उपयोग को रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो ये जो है आपको इन्फॉर्मेशन है। बता दें सरकार ने अप्रैल में दिशा निर्देश जारी किए थे, इसके अनुसार लोगों को घर पर बनाए फेस जो मास्क हैं कवर हैं उनका प्रयोग करने के लिए कहा गया। इन निर्देशों में यह कहा गया कि जब भी घर से बाहर निकलें तब हमेशा मास्क का प्रयोग करें, घर पर बने मास्क को जब भी प्रयोग करें तब इसे धोकर आपको यूज़ करना है। ओके, फेस कवर घर पर बनाने के लिए सूती कपड़ा प्रयोग कर सकते हैं। मास्क किस रंग का है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात से बात का ध्यान रखें कि कपड़े को 5 मिनट के लिए उबालें, पानी में उबालें और अच्छे से धोएं। इस पानी में जो है आप नमक भी डाल सकते हैं। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन थी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, भारत सरकार की ओर से। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई होगी। वीडियो शेयर नहीं किया शेयर कर दिए, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए आपको पसंद आई इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके आप सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, और जो मैंने बताया गवर्नमेंट ने बताया उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए।